Hi guys, good evening. Good evening, sir. So yesterday we completed with one very interesting standard, that was essay number 315. Aaj hum log padhenge essay number 320, 330. Hopefully hum log 402 bhi cover kar paaye, to wo bhi hum log cover kar lenge, right? So aaj hum log 402 450 tak ka target rakhenge, ye 300 400 series hum log finish karenge, right? So let us start with the very interesting and very simple standard, that is essay number 320. It talks about materiality in planning and performing of audit. ध्यान से देखना, हम लोग जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? मटेरियलिटी. एसे नंबर कौन सा है? 320. सो दोस्तों एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना समझना, जब हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियलिटी की, तो हम लोग को इस एसे के अंदर समझना है व्हाट इज मटेरियलिटी फर्स्ट. क्या पढ़ना है सबसे पहले? व्हाट इज मटेरियलिटी. एंड देन आफ्टर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मटेरियलिटी, सो व्हेन वी स्टडी मटेरियलिटी, राइट, सो हमें यहां पे पढ़ना है सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी. एंड फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये मटेरियलिटी हम लोग को कहां कहां पे यूज होगी. ऐसे में क्या पढ़ना है ध्यान से सुनना, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मटेरियलिटी. एंड दिस मटेरियलिटी इज यूज्ड वेयर? नंबर वन, इन प्लानिंग द ऑडिट. नंबर टू, इन परफॉर्मिंग द ऑडिट. सिंपल सी बात है. सो ये आपको कैसे करना है ये हम लोग को इस ऐसे में पढ़ाया जाएगा. सिंपल सा है, यहां पे सिर्फ आपको अच्छे से इसको रीड करना है. स्कोप ऑफ दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to apply the concept of materiality, obviously where? In planning and performing the audit of financial statements. Simple tha kya ekdam concept? Bolo haan ya na? Ji. Next, scope ke baad, first we need to, as we said, need to understand what is materiality. In context of an audit. Audit ko maddenazar rakhte huye, materiality ka kya arth hai, wo hum log ko samajhna hai. Right? So, एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब यूजली क्या कहते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइक वेन वी टॉक अबाउट शेड्यूल 3 और वेन वी टॉक अबाउट इज द थर्ड शेड्यूल, करेक्ट, बैंक्स के केस में, कंपनीज के केस में शेड्यूल 3. सो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, ये फ्रेमवर्क्स डिफाइन करते हैं किसको. सो दे डिफाइन अबाउट व्हाट? मटेरियलिटी. सो वी यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी. जैसे हम लोग अगर कंपनीज एक्ट में देखें, सो कोई एक्सपेंस को मटेरियल कब माना जाता है? व्हेन इट इज मोर देन 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर और रुपीज 1 लाख विच एवर इज हायर, हम लोग क्या कहते हैं? वो एक्सपेंस मटेरियल है. सो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिफाइन करेगा व्हाट इज मटेरियलिटी. आगे, ऑल द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स में डिस्कस मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स. जनरली उनका मतलब क्या होता है? जनरली दे एक्सप्लेन व्हाट? नॉर्मली उसका मतलब क्या है? सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मिसस्टेटमेंट्स. Misstatements including omissions are considered to be material. मतलब बात हो रही है material misstatements की. So कोई भी misstatement वो material कब कहलाया जाएगा in context of our audit? तो वो कहलाया जाएगा if they individually or in aggregate could reasonably expected to influence the economic decisions of the users, we say it is material misstatement. Try to understand, यहां पे जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो है हाईलाइटेड पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे सर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मटेरियल. और वी कॉल इट एज व्हाट? मटेरियलिटी. और अगर वो मिसस्टेटमेंट अगर आपके इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है, तो वो मिसस्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एनी डिफिकल्टी? इसका मतलब क्या है? यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी गलती इंडिविजुअली अकेले में
या छोटी छोटी गलतियां जब मिला के अगर वो एक बड़ी गलती बन जाती है और वो अगर आपके डिसीजंस को बदलने की ताकत रखती है तो वो गलती हमारे लिए क्या बन जाएगी बच्चों, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। आई बात समझ में आपको? यस yes. जैसे एक डेटर बराबर के नहीं, अगर उसका रिकवरेबिलिटी के बारे में आप गलत कर दो कि एक बैड डेटर को आप गुड डिस्क्लोज कर दो, या ऑलमोस्ट मेजर जो डेटर्स है वो बैड है आप उन्हें गुड बता दो, या जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपके अभी अनरियलाइजेबल है बट आपको दिखाते हो एज रियलाइजेबल, सो उसके वजह से क्या एक यूजर के डिसीजंस अफेक्ट हो सकते हैं क्या? यस। सो देन दैट थिंग व्हाट यू आर मिसस्टेटिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बिकम व्हाट, मटेरियल, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग व्हाट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स, एंड वो भी कौन से, द फाइनेंशियल डिसीजंस, दैट इज द इकोनॉमिक डिसीजंस। आई बात समझ में आपको? यस yes. उसके बाद व्हाट इज कंसिडर्ड मटेरियल, कौन सी चीज एक यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, बट नॉट ओनली द ऑडिटर्स जजमेंट बट यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द साइज और नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट और द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। जजमेंट्स अबाउट मटेरियलिटी आर अफेक्टेड बाय द साइज और नेचर ऑफ अ मिसस्टेटमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, साइज एंड नेचर बोथ। सर समझा नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की और उसके अंदर आपको 1,00,000 रुपए का मिसस्टेटमेंट मिलता है, इज इट मटेरियल? करेक्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग ये इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड अपॉन व्हाट, द साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट। वो कंपेयर करोगे उस बिजनेस के साथ तब जाके डिसाइड करोगे कि वेदर इट इज एबल टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स और नॉट। बोलो यस और नो। बट यही अगर ये आगे अपन 1,00,000 करोड़ लगा दे, ओह माय गॉड सर, इट बिकम्स, मतलब अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अमाउंट बहुत बड़ी है सर, बराबर के नहीं। सो द जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी माई डियर फ्रेंड्स, द जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी इज अफेक्टेड बाय द साइज और नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Try to understand, this will become your multiple choice question. Materiality is affected based on size, nature, both, any of the above. Any of the above. Because try to understand, yahan pe aur a combination of both bhi hai na. So individually bhi ho sakta hai, dono bhi ho sakta hai. So answer is not all of the above or both. Sorry, it is any of the above. समझा नहीं समझा? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई बात समझ में? सो इट इज अफेक्टेड बाय साइज, नेचर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। नेक्स्ट, जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल टू यूजर्स आर बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप। मतलब कोई भी चीज वो मटेरियल है या नहीं है वो किस पे निर्भर करती है? नेचर और साइज पे तो डिपेंड करता है, बट साथ ही साथ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो यूजर उसका क्या यूज करने वाला है, व्हाट इज हिज फाइनेंशियल नीड्स फ्रॉम दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सर नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अपने सामने, क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, what I'm asking is for what purpose are you going to use these financial statements? Purpose hoga na financial statements ka kuch, jaise management decision lega whether to expand or not to expand, invest or not to invest more, diversification karna ya nahi karna, correct hai na? Number two, ek shareholder wo bhi decide karega to invest more or not to invest or to remove the existing investment, barabar ke nahi? Number three, banker whether to give loan or not to give the loan, creditor whether to give credit or not to give the credit, बराबर के नहीं? So यहां पे आप समझो कि उन financial statements की कुछ अपनी अलग अलग needs होती है अलग अलग users के basis पे। So अब वो matter material है या नहीं वो depend करता है उस need के ऊपर,
क्योंकि व्हाट इज मटेरियलिटी विच इज गोइंग टू अफेक्ट द डिसीजन. बट भाई तू ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए तू क्या डिसीजन लेगा वो मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. अगर तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए डिसीजन लेने वाला है इन्वेस्टमेंट का, बराबर के नहीं, और जो मिसस्टेटमेंट हमको दिखता है उससे आपका इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन अफेक्ट नहीं होने वाला है, तो वो मटेरियल है क्या? नहीं. समझा क्या नहीं समझा आपको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड मटेरियलिटी. आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, दैट पर्पस, दैट गोल फॉर विच यू आर गोइंग टू यूज दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई बात समझ में? इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी क्रूशियल टू डिसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज मटेरियलिटी? Something that is going to influence the economic decisions of the users. What decision you are going to take is the use. बराबर के नहीं? जो use मैं उन financial statements का करने वाला हूं वही तो उसके basis पे मैं क्या लेने वाला हूं, अपना decision लेने वाला हूं. Yes or no? अरे बोलो yes or no? Yes. So मुझे materiality decide करने के लिए उस financial statements के needs क्या है वो decide करना है. बट अब यहां पे अगर आप देखोगे देर आर सो मेनी यूजर्स हैविंग सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स एंड ऑडिटर इज नॉट गोइंग टू केटर एवरीबॉडी नीड्स. मैं सबके लिए थोड़ी काम करेगा. इन्वेस्टर, बैंकर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, सबके लिए काम करूंगा क्या मैं? नहीं. तो मैं क्या करेगा मालूम है क्या? मैं यहां पे कॉमन फाइनेंशियल नीड्स, basically what is the common purpose of the financial statements, that is what I am going to decide, and based on that I will decide whether a particular area is material or not. jhepa kya aapko sachi sachi bolo. So try to understand materiality in context of audit is what. First we talk about materiality which is going to influence the economic decisions of the users. Perfect. Yes. So as an auditor, to see whether an item in relation to financial statement is material or not, that is whether that particular item is going to influence the decisions of the user or not, first I need to know what exactly the decisions is going to make. तो क्या डिसीजन लेगा पहले वो मुझे मालूम होना चाहिए. जब मुझे पता चलेगा अच्छा तू ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन तू लेगा, तब फिर मैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मिसस्टेटमेंट जो मुझे मिली है मैं उसको देखूंगा और फिर पता करूंगा कि क्या इस मिसस्टेटमेंट के वजह से उसका वो डिसीजन अफेक्ट हो सकता है या नहीं. बराबर के नहीं? तब जाके मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि वो एरिया मटेरियल है या नहीं है. आई बात समझ में आपको? पक्का पक्का? यस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट वी टॉक अबाउट मटेरियलिटी. Then we talk about materiality is decided based on the nature and size or combination of both. Barabar ke nahi? Third, but it is based on understanding of the common financial needs. See, common financial needs ye word kyun aaya? Because har ek user ke financial needs alag alag ho sakte hai. Har ek user alag alag decision lega. Main sabko entertain nahi kar sakta. So I need to find what? The common goal. Usually क्या क्या यूज करते हैं, किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, एंड देन आई वर्क अकॉर्डिंगली. आई बात समझ में? परफेक्ट. आगे. सो बच्चों यहां पर अपना फर्स्ट बुलेट पॉइंट समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से? सो जनरली इसका मीनिंग यह है. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ वॉट? द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट and is affected by the perception of the financial information needs of the users of financial statements. kya wahi matter repeat hua hai kya abhi? ki yahan pe aap as an auditor aapke professional judgment ke anusar aap pehle find out karoge what is the need of those financial statements from the user's point of view. And then you in your judgment think whether it is going to affect his economic decisions or not. पहले आपको क्या करना है, उसकी नीड क्या है वो फाइंड आउट करो. बराबर के नहीं? फिर आपका खुद का अनुमान लगाओ, आपका प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो कि क्या ये मिसस्टेटमेंट उस यूजर के नीड्स को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा.
मतलब ही उस यूजर के डिसीजंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अफेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मटेरियल, नहीं करेगा तो इमटेरियल। खलास। एनी डिफिकल्टी टू क्लियर? नो। नेक्स्ट, इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू अज्यूम दैट यूजर्स, मतलब मटेरियलिटी या कॉन्सेप्ट डिसाइड करने के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि यूजर्स इन बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि हम लोग सबके नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग ये मान के चलेंगे कि यूजर्स को ये चीजें कुछ मालूम है, क्या है वो रीड करते हैं। नंबर वन, दे हैव द नॉलेज अबाउट द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या धंधा कर रहे है ये कंपनी, ये एंटिटी क्या बिजनेस कर रही है तुमको मालूम होना चाहिए, ये मान के चलेंगे हम लोग। So we have a reason, we assume that the users have reasonable knowledge about the business and economic activities and accounting and willingness to study the information in the financial statements with reasonable diligence. मतलब वो खुद उस information को सिर्फ ऐसे एडे से read नहीं करेंगे, खुद भी अपना ध्यान लगाएंगे। They will also read those financial statements with what? Some care. Diligence means what? Care. तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा पूरा 100% हम पे डिपेंडेंट है। हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, उन्हें बिजनेस के बारे में मालूम है, बिजनेस में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उन्हें वो भी मालूम है, और वो ये अकाउंटिंग सिस्टम स्टडी करने की इच्छा रखते हैं, और वो करेंगे क्या, सावधानी पूर्वक प्रॉपर केयर लेके। नंबर टू, दे अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड On the levels of what? Materiality. उन्हें मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते वो कि financial statements 100% free from misstatements रहेंगे। What we say, it is free from material misstatements. You cannot expect that they are free from all the misstatements. No. We assume that you understand that financial statements are audited based on materiality. Reason क्या है? कल चल के क्या हो जाएगा ना, एक यूजर आपको ब्लेम करेगा, बोलेगा ये देखो मेरे को छोटी सी गलती मिली है, बराबर। और आप उसको बोलोगे अरे हमने तो ऑडिट मटेरियलिटी पे किया था, यूजर बोलेगा मेरे को नहीं मालूम, तुम्हारे वजह से मेरा डिसीजन गलत हो गया, यू आर लाइबल फॉर माय लॉस, भर के दो लॉस। मैं बोलेगा अरे यार 100% तो ओपिनियन नहीं दे सकता मैं, बट मैंने तो मटेरियलिटी है मेरे को मालूम नहीं है, यूजर बोलेगा। तो हम बोलेंगे देख, हमारा स्टैंडर्ड हमको क्या बोलता है, You have all the right to assume that the users of financial statement understand that the entire audit is conducted based on what? Materiality. Number three, recognize that uncertainty is inherent in the measurement of the amounts based on the use of estimates, judgment, and consideration of future events. There are what? Uncertainties. ये भी हम expect करते हैं कि यूजर्स को इन बारे में, इन बातों के बारे में मालूम होगा। मतलब क्या है सर? एस्टिमेट्स, वी ऑल नो एस्टिमेट्स आर व्हाट? इनएक्यूरेट, दे कैनॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। कभी भी हम लोग अंदाजा लगाते हैं, एग्जैक्ट अंदाजा लगाते हैं क्या? अगर एग्जैक्ट लगा पाए तो वह अंदाजा थोड़ी है, सही बात है ना? सो एग्जैक्ट एस्टिमेट, अरे अगर वो एग्जैक्ट एस्टिमेट है तो वो एस्टिमेट क्यों बोल रहा है, सही बात है ना? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एस्टिमेट्स को प्रेडिक्ट करना एक्यूरेटली इज नॉट पॉसिबल, तो वो लिमिटेशन है बॉस। यू अंडरस्टैंड देयर इज एन इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज। नंबर टू, जजमेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं? जैसे वो डाउटफुल डेट है या नहीं है, उसका यूजफुल लाइफ क्या है क्या नहीं है, एंड अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, गोइंग कंसर्न के बारे में कि आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट आज कर रही है आने वाले समय में उतना ही करेगी क्या, ऐसा दावा दे सकते क्या? आप दावा दे सकते क्या? नहीं, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सर्टिफाई करते हैं जो हुआ है पास्ट में, आने वाले समय का हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। यूजर आपको मालूम होना चाहिए ये अनसर्टिनिटीज इनहेरेंट है, ये मौजूद है बचपन से, अबाउट एस्टिमेट्स, जजमेंट्स एंड अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। तो आप ये लिमिटेशंस को समझिएगा। नेक्स्ट,
एंड देन वॉट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक, मेक द रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. ऐसा नहीं ऑडिटर ने बोल दिया प्रॉफिट है, मतलब हाँ भाई, अरे भाई तू तेरा अनुमान भी तो लगाना, यू ऑल्सो टेक अ रीजनेबल केयर. ऐसा नहीं ऑडिटर ने बोल दिया ऐसा ओके ट्रू एंड फेयर है तो भैया चलो डिसीजन ले लो धनाधन, कल चल के अगर नुकसान हो गया तुम ब्लेम करोगे ऑडिटर को, ऐसे कैसे. अरे तुम भी तुम्हारा माथा लगाओ. आई बात समझ में, जनरल पॉइंट्स है बट ध्यान में रखना है, यूजर्स को इन बातों का नॉलेज होगा ऐसे हम मान के चलेंगे. क्या क्या मान के चलेंगे? यूजर्स को बिजनेस के बारे में जानकारी है, बराबर कि नहीं. सेकेंड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे गए हैं, ऑडिट किए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं, मटेरियलिटी के बेसिस पे किए गए हैं. नंबर थ्री, देर इज लिमिटेशंस. एंड नंबर फोर, जो भी आप डिसीजन लोगे वो आप कैसा लो? रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस. आई बात समझ में? यस. फटाफट अभी बात करते हैं आगे. इट इज अप्लाइड वेयर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट. डू यू अग्री? साथ ही साथ इट इज यूज टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स on the audit and uncorrected misstatements if any on the financial statements in forming the opinion on the auditor's report. मतलब अगर देखा जाए technically यहाँ पे आप लिखोगे it is used for what? Plan. It is used for what? To perform. And it is also used to what? Report. Do you agree? याद करो regular class में हमने ऐसे 700 की series पढ़ी थी जिसके अंदर 705 में जो item material था तभी जाके अपन रिपोर्ट करते थे. ऐसा कोई इमटेरियल है बट परवेजिव है, ऐसा कोई मैटर पे रिपोर्ट किया गया नहीं. सो यहां पे क्या बोलता है, जो भी मिसस्टेटमेंट्स आपने आइडेंटिफाई करी है उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से मटेरियल है या नहीं है, तब जाके अपन क्या करेंगे उसको क्वालिफाई या डिस्क्लेम या एडवर्स ओपिनियन देंगे ना. ऐसा कहीं आपने पढ़ा क्या वो मटेरियल नहीं है फिर भी अपन ने उसको क्वालिफाई किया, मटेरियल नहीं है फिर भी एडवर्स ओपिनियन दिया? नहीं सर, जब मटेरियल है तभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा ओपिनियन देना करके उस मिसस्टेटमेंट के बारे में. इफ दैट मिसस्टेटमेंट इज इटसेल्फ इमटेरियल वी विल नॉट कंसीडर गिविंग व्हाट क्वालिफाइंग डिस्क्लेमर और एडवर्स, वी विल ओनली गिव व्हाट अनक्वालिफाइड ओपिनियन बिकॉज इट इज इमटेरियल, बराबर के नहीं. सो देयरफॉर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग परफॉर्मिंग एंड इवैल्यूएटिंग द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं. सो व्हाट इफेक्ट दे हैव ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर इन फॉर्मिंग द ओपिनियन. आई बात समझ में आपको? यस. इन प्लानिंग द ऑडिट द ऑडिटर मेक्स जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स दैट विल बी कंसिडर्ड मटेरियल. दिस जजमेंट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देयर बाय वी कैन डिसाइड द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड ऑफ फैप. क्या हुआ, आपको मटेरियलिटी कंसीडर करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स विल बी कंसीडर्ड मटेरियल. तो इसमें आपको हेल्प कब होती है? सबसे पहले आप रैप करते हो. क्या करते हो आप? रैप करते हो. रैप करने के बाद आपको पता चलता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बेसिस पे आप परफॉर्म करते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. मालूम है ना अपने को? नेक्स्ट, the materiality determined when planning the audit does not necessarily establish an amount below which uncorrected misstatements individually or in aggregate will always be evaluated as immaterial. matlab kya hai, kuch palle pada nahi. materiality determined when planning the audit does not necessarily establish an amount below which uncorrected misstatements will always be evaluated as immaterial. matlab kya hai, Try to understand. आप एक materiality का level set करते हो और आप हमेशा क्या बोलते हो, इसके नीचे जो होगा वो होगे immaterial, इसके ऊपर जो होगा वो हमेशा होगा material. तो यहां पे ये कहते हैं this will not Always be immaterial. ये लिखा हुआ है वहां. Because materiality में changes हो सकते हैं. ये आपने decide किया था कभी planning करते समय. वापस से पढ़ो एक बार, अभी ध्यान से पढ़ना. The materiality determined when planning the audit does not necessarily establish
that an amount below which the uncorrected misstatements individually or aggregate will always be evaluated as immaterial. वो हमेशा immaterial रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. आई बात समझ में आपको? बोलो yes or no? Yes. ये बात हो रही है. The circumstances related to some misstatements may cause the auditor to evaluate them as material, even if the procedures to detect misstatements that could be material solely. गलत पढ़ा क्या मैंने? हाँ. The circumstances related to some misstatements may cause the auditor to evaluate them as material, even if they are below what? Materiality. कभी कभी इनको material बोलना पड़ता जरूरी हो सकता है. बराबर कि नहीं? Although it is not practicable to design audit procedures to detect misstatements that could be material solely because of their nature, the auditor considers not only size but also the nature of the uncorrected misstatements and the particular characteristics of their occurrence when evaluating their effect on financial statements. मतलब हम लोग ने क्या बोला था कि हम लोग nature और size दोनों consider करेंगे materiality को evaluate करने के लिए, but वो individually consider नहीं करेंगे. साथ ही साथ आपको क्या देखना है? Its occurrence. कि एक जो गलती आपको मिली है अगर वो बार बार लगातार आती जाएगी, जैसे एक यूनिट में आपको दिखता है कि द स्टॉक एक पर्टिकुलर आइटम इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, एक में दिखता है, और फिर आपको अगर लगता है इसका साइज नेचर बहुत छोटा है, बट अगर ये बार बार लगातार आए, इसका ऑकरेंस रिपीट होता जाए, बार बार आप गलत वैल्यूएशन करो, तो अब क्या यूजर के इकोनॉमिक डिसीजंस अफेक्ट हो सकते हैं क्या? यस. सो देयरफॉर वी कंसीडर एज व्हाट? मटेरियल. इवन दो वो अभी इस मोमेंट पे वो उससे कम है, बट बाद में वो अफेक्ट कर सकता है ना, तो इसके लिए वी कंसीडर इट एज व्हाट? मटेरियल. आई बात समझ में आपको? यस. आगे बढ़ सकता हूं जी. ऑब्जेक्टिव भाई बचपन से पढ़ रहे ना अभी, ये तो बराबर के नहीं? यस. अब बात करेंगे कुछ चीजें जो इंटर वालों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, फाइनल वाले एक बार इसको ध्यान दीजिएगा. बात होती है किसके बारे में? डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. देयर कैन बी रिविजन इन द मटेरियलिटी एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस. फिर उसके बाद जो भी आपने अभी तक किया उसको आपने क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है, और आपका ऐसे खत्म होता है. अब आपने इंटर वालों ने मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं बराबर के नहीं? और जो भी आपने मटेरियलिटी डॉक्यूमेंट करिए, मतलब जो भी डिसाइड करिए उसको डॉक्यूमेंट करो. अब हम लोग एक बार हाउ टू डिटरमाइन मटेरियलिटी वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं. व्हाट इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो भी मैं आपको बताता हूं. देखिएगा, इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी there is one or more particular class of transaction account balance disclosures for which misstatements of lesser amounts than materiality for which the financial statements as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements. barabar ki nahi? ise hum log kya kahenge? materiality. kya kahenge isko? hum log kahenge materiality. and then the auditor shall also determine the materiality level or levels to be applied to those particular class of transactions or account balance or disclosures. sir nahi palle pad raha hai, try to understand. sabse pehle hum log baat kar rahe hain yahan pe jo likha hua hai material, sorry materiality. kya likh raha hu main? hum log baat kar rahe about what? materiality. मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल तरीके से समझना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बात करें तो, या कोई भी चीज मटेरियलिटी कब होगी? व्हेन इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इट अफेक्ट्स the decisions of the users of financial statements. to be more appropriate, economic decisions of the users of financial statements. उसे हम लोग क्या कहते हैं? material. ये मालूम है आपको इतना?
दिस इज मटेरियलिटी। बट अब जो हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी लेवल, डिटरमाइन मटेरियलिटी लेवल। ये मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करनी है, यही तो टॉपिक पढ़ रहे ना अपन, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी लेवल। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द मिसस्टेटमेंट्स ऑफ दैट लेसर अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन इज योर मटेरियलिटी लेवल। मतलब क्या है, अगर आपको मैं एक सिंपल बात बताऊं तो देखिएगा, यहां पे अगर ये एक स्केल है अपने यहां बराबर, और यहां पे से हम लोग नीचे नीचे आना शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहां पे क्या आपका डिसीजन अफेक्ट होगा, डिसीजन अफेक्ट होगा ना। अरे ये स्केल है, ये ट्रांजैक्शंस है मान लो अलग अलग। सो अगर ये स्केल है, ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस है, और अगर यहां पे इतनी मिसस्टेटमेंट्स आपको मिलती है तो क्या आपका डिसीजन अफेक्ट होगा क्या, ज्यादा है ना, मतलब दैट इज हाई। वी टॉक दिस एज द हाई लेवल एंड दिस एज द लो लेवल, बराबर के नहीं। अच्छे से लिखूं मैं इसको, चलो ठीक है। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं दिस इज द हाई लेवल, वी राइट ओवर हियर दिस इज द, अरे सिव लेवल लिख दिया, वी राइट दिस एज व्हाट, लो लेवल। सो अब अगर यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर वहां पे मिसस्टेटमेंट्स हो तो क्या आपके इकोनॉमिक डिसीजंस अफेक्ट होंगे क्या, बोलो यस और नो। यस, अगर यहां पे है तो यस, 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 यहां पे है तो मे बी आप बोलोगे नो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेवल, इसके ऊपर आप जब जाओगे ना, यहां से इस लेवल से जब आप ऊपर जाओगे ना, योर डिसीजंस चेंज, योर डिसीजंस व्हाट, चेंज। डू यू अग्री? यस। सो दिस लेसर अमाउंट फ्रॉम वेयर योर डिसीजन स्टार्ट्स टू चेंज, दिस लेवल इज कॉल्ड एज व्हाट, द मटेरियलिटी लेवल। मतलब द मिनिमम लेवल, मतलब जैसे अभी उल्टा बताता हूं, यहां पे आपका डिसीजन बदलेगा क्या, नहीं, यहां पे बदलेगा क्या, नहीं, यहां पे नहीं, यहां से हां। सो जहां से आपके डिसीजन बदलना शुरू हो जाते हैं वो मिनिमम लेवल, वो लेसर लेवल इज कॉल्ड एज व्हाट, मटेरियलिटी लेवल। आई बात समझ में आपको, सच्ची सच्ची बोलो भाई, पक्का खाखुद की कसम देगा, हाँ ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मटेरियलिटी लेवल, सो दिस इज हाउ यू डिसाइड सेट द मटेरियलिटी लेवल। आई बात समझ में? यस। फिर आगे जब अपन पढ़ते हैं तो ये लेवल डिसाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए, क्या चाहिए, डेटा। सो ये डेटा आपका क्या हो सकता है, इट कैन बी योर सेल्स, इट कैन बी योर परचेज, प्रायर पीरियड से आप कंपेयर करोगे, कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें आप क्राइटेरिया लगाओगे कि क्या क्राइटेरिया लगाना है, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड देन दिस इज हाउ यू सेट द मटेरियलिटी लेवल। आई बात समझ में? जिसको हम लोग टेक्निकली एक वर्ड और एक यूज करते हैं, कॉल्ड एस व्हाट, द बेंचमार्क। क्या यूज करते हैं उसको, बेंचमार्क। एंड इस लेवल के नीचे जो हम लोग और एक मटेरियलिटी लेवल अगर सेट करते हैं इज कॉल्ड एस व्हाट, द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, द अमाउंट और अमाउंट्स सेट एट लेस देन मटेरियलिटी लेवल, बराबर के नहीं, इज कॉल्ड एस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। दे कैन एक्सीड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बट कैनॉट एक्सीड मटेरियलिटी, बराबर के नहीं। यस, आगे बढ़ सकता हूं यहां से,
अब अभी ये रिवीजन और डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट पढ़ लीजिए जो हमने पहले डिसाइड किया था. कुछ ऐसी इवेंट्स हो सकती है, वॉल्यूम बढ़ गया बहुत ज़्यादा बिजनेस का, तो हम लोग को मटेरियलिटी लेवल भी रिवाइज करनी पड़ेगी. बराबर, कोई अनप्लान्ड इवेंट आ गया तो मटेरियलिटी चेंज हो सकती है. सो वो हम लोग रिवाइज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे फिर डॉक्यूमेंट करेंगे. फटाफट पढ़ लीजिए इन पॉइंट्स को, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड एसए 330. आगे बढ़ सकते हैं यहां से. सो नाउ वी कंप्लीट विथ व्हाट एसे नंबर 320. कॉन्फिडेंस है अभी तक जितने भी एसेस पढ़े उस पर? यस. सो नाउ वी स्टार्ट विथ अनदर एसे. नेक्स्ट वाला इन द लॉट इज एसे नंबर 330. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अपना मेजर जो ऑडिट है ये इन रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है जो रिस्क अपन आइडेंटिफाई करते हैं. सी एज आई सेड कि जो हम लोग ने पढ़ा था एसे नंबर 315 में वो क्या था. वी स्पोक अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग किसको, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज दिस इज देन गोइंग टू प्रोवाइड अस द basis to design the responses to those assessed risk. हम लोग ऐसे 315 क्यों यूज करें, यह पढ़ा था अपन ने कल ही. बिकॉज वेन वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दिस प्रोवाइड्स अस विथ वॉट द बेसिस टू प्लान आर रिस्पॉन्सेस टू दोज असेस्ड रिस्क. अपन ने रिस्क कहां असेस करी, ऐसे 315 में. अब वो रिस्क का क्या करना, वो क्या करना वो डिसाइड करेंगे अंडर एसे नंबर 330. दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग द रिस्पॉन्स टू दोज असेस्ड रिस्क. आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो. यस. सो आपको एकदम है ना इसको एकदम भारी तरीके से पढ़ना है. इसको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे, पढ़ाऊंगा एकदम मस्त, ध्यान से सुनना. 330 खत्म, 300 का सीरीज खत्म, 402 450 बस, ये फिर दो स्टैंडर्ड्स बचते 400 की सीरीज वाले. सही है ना एकदम? यस. लेट स्टार्ट. स्कोप ऑफ दिस एसे, दिस एसे डील्स विथ व्हाट, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द रिस्पॉन्स टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड बाय द ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विथ एसे 315. वाह सर, अभी तो आपने यही बोला और 315 में भी यही पढ़ा था कि 315 प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर 330. यर 330 सेज इट इज द रिस्पॉन्स टू द रिस्क असिस्ट इन 315, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. सही है ना एकदम? यस. ऑब्जेक्टिव क्या कहता है यहां पे, अपना रिस्पॉन्स क्या है, इज टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वॉट द असेस रिस्क. बराबर के नहीं? बाई डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्स टू दोज असेस रिस्क. मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर. देखिए दोस्तों, जब हम लोग एसे नंबर 315 पढ़ते हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर हम लोग एसेस की बात करते हैं. ऐसे लिखता हूं एसे, एकदम सिंपल लिखता हूं. सो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले यहां पे लिखता हूं एसे नंबर कौन सा, 315. 315 में मैं क्या कर रहा हूं,
आई एम आइडेंटिफाइंग, मस्त लिखता हूं एकदम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सही है ना? और ये कैसे करता हूं? बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल. सही है ना? बिकॉज दिस प्रोवाइड्स मी द बेसिस टू डिजाइन रिस्पॉन्सेस टू दोज असेस्ड रिस्क. करेक्ट है? सो बेसिकली जो मैं यहां पे एक्टिविटी कर रहा हूं ये कौन सी है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. बोलो यस और नो. तो जो भी रिस्क मैंने अभी यहां पे फाइंड आउट करी है, इट इज बेसिकली द मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट. डू यू अग्री? इट इज बेसिकली द मैटर ऑफ व्हाट? ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट दैट हैज आइडेंटिफाइड, असेस्ड, इवैल्यूएटेड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. बट आर यू गाइज रियली श्योर अबाउट वेदर दिस रिस्क एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट? नो. सो देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हमें क्या करना है? यहां पर हमें करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. क्या करना है हमें? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. सर मतलब क्या है? दैट इज वी नीड टू ऑब्टेन, ऐसे लिखते हैं, दैट इज वी नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ये फैप यहां से हटाता हूं एक मिनट के लिए. दैट इज वी नीड टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट दोज असेस्ड रिस्क. सही है क्या एकदम? अरे बोलो. सही है ना एकदम? We need to obtain sufficient and appropriate audit evidence in respect to those assessed risks. क्योंकि अभी तक जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई करी है, दिस रिस्क इज अ वॉट? मैटर ऑफ द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट. बराबर कि नहीं? सो इसके लिए अब इसको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है तो वॉट वी नीड टू परफॉर्म? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. यह ऐसा जो चार्ट बन रहा है कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? बराबर कि नहीं? और ये जो यहां पे बात होती है ये आप कहां पढ़ते हो फिर? अंडर एसए नंबर 330, दैट इज रिस्पॉन्स टू दोज असेस्ड रिस्क. आई बात समझ में आपको? सो हियर वी आर फोकसिंग अपॉन इज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द रिस्क, वेदर दोज रिस्क इज एक्चुअली देयर और नॉट, वो रिस्क प्रेजेंट है या नहीं, ये उसका ऑब्जेक्टिव है. आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से? बोलो हाँ या ना. हाँ. ओके. देन ओवरऑल रिस्पॉन्सेस क्या लिखा था? ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है, डिजाइन कर लेंगे. फिर अब यहां पे बात करते हैं. ए भाई एकदम ध्यान से देखना. वी नाउ नीड टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स विच इज द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्निकली which is responsive to the assessed risk of material misstatement, that is your FAP
315 में जो रिस्क आइडेंटिफाई करी उसके लिए एविडेंस चाहिए, तो उसके लिए और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। वो प्रोसीजर्स कुछ नहीं है, बट कौन से है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। यस और नो? यस। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हुज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिव टू दोज असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब हम लोग 330 का काम 315 के बेसिस पे करेंगे ना, यही तो लिखा है आगे। सो इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर शाल, मतलब भी वही अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ही आ गया, हाँ ना? हाँ। अब हाँ हाँ बोलते जाओ अगर जमा तो। सो ही नीड्स टू कंसीडर द रीजंस। पहले अगर अपने को वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर रहे हैं, सो अपने को सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? रीजन। रीजन मतलब क्या कि आखिर ये रिस्क आई क्यों, बराबर के नहीं? सो द रीजंस फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाउ दिस रिस्क केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू फील दैट द रिस्क इज देयर। सो बेसिकली जो आपने 315 में जो काम किया था उसका रीजन आपको चाहिए कि किस बेसिस पे आपने ये रिस्क असेस करी है। रीजन क्या आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है करके? उसके बाद वो रीजन मिलने के बाद आप क्या देखोगे कि इस रिस्क के अंदर क्या ये रिस्क बार बार लगातार आ सकती है क्या, द लाइकलीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ दैट रिस्क, बराबर के नहीं? क्योंकि मटेरियलिटी ये कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ा था कि ऑकरेंस वाला पार्ट भी अपने को देखना है। द लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेवेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन है, वो मशीन जैसा बनाई गई है वैसे ही परफॉर्म करती है वो, तो अगर अपने को एक गलती दिखती है कि उसका अटेंडेंस बराबर नहीं लिया जा रहा है बायोमेट्रिक डिवाइस में, सो लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस क्या है? एवरी टाइम इट विल हैपन द सेम, तो इट बिकम्स व्हाट? मटेरियल, बराबर के नहीं? सो यू आइडेंटिफाइड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यू गॉट द रीजन, बट आफ्टर गेटिंग द रीजन यू नीड टू नो कि ये जो गलती है ये बार बार लगातार होएगी क्या, लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट। नंबर टू, वेदर फॉर रिस्क असेसमेंट डिड यू कंसिडर द रेलेवेंट कंट्रोल्स। अब वो गलती ना हो या वो हो रही है जो आपको मिली है गलती, क्या उससे रिलेशन में आपने कंट्रोल्स चेक करे थे क्या? करे थे ना, हाँ, बिकॉज वी अंडरस्टूड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। और वो इंटरनल कंट्रोल के पूरे 5 कंपोनेंट देख लिए थे। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में चैप्टर में पूरे पूरे 5 कंपोनेंट्स पढ़ाए मैंने। आगे, दैट इज द कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क मालूम है ना? हाँ। Thereby requiring the auditor to obtain the evidence whether the controls are operating effectively or not. That is, the auditor intends to rely on the operating effectiveness of the controls in determining nature, timing and extent of substantive procedures. Obtain more persuasive audit evidence the higher the auditor's assessment of the risk. So, keeping it simple, what we as the auditors need to do right now is basically do what? Test of controls. And in this test of controls, what are we looking for? To check what? The operating effectiveness of internal controls. Do you agree? So, हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों करते हैं? टू चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। अब अपने को ये रिस्क मिली ना, ये रिस्क क्यों आई? क्योंकि कंट्रोल्स काम नहीं करते होंगे। सो उससे जो रिलेवेंट कंट्रोल्स है वो सही से करते हैं या काम या नहीं करते हैं, वो अपने को चेक करना है। इसके लिए फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज कैरी आउट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दीज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एज इट इज सेड प्रोवाइड्स अस अ बेसिस to carry out what is the substantive procedures. Do you agree with this? Bolo na. And then in substantive procedures, test of details, analytical procedures, ye sab aayega uske andar. So I am linking the chart what we have studied in the class, barabar ke nahi? And making the concept more easy as well as the standard, barabar ke nahi? Yes. So, अब यहां पे हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या क्या देखते हैं। देखिए, वी विल परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स।
क्यों परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स. The auditor's assessment of the risk of material misstatement at assertion level includes an expectation that controls are operating effectively, or substantive procedures alone cannot provide sufficient and appropriate audit evidence. Ek to wo control sahi se chalta hai ya nahi, ya to substantive procedures they are not providing what you the audit evidence. In designing the and performing the test of controls, you should obtain more persuasive बराबर के नहीं ऑडिट एविडेंसेस. द ग्रेटर द रिलायंस द ऑडिटर प्लेसेस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे नेचर एंड एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में बेसिकली हम लोग को कंट्रोल्स का देखना है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स. क्या देखना है अपने को? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स. आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में, सिंपल है सब. सो नेचर में हम लोग बात करते हैं अबाउट हाउ देवर अप्लाइड. रुको, हाउ देवर अप्लाइड. नंबर टू, बाय हुम देवर अप्लाइड. एंड लास्ट में कंसिस्टेंसी विथ विच दे वर अप्लाइड. ये हमको नेचर में देखना है. टाइमिंग में हम लोग देखते हैं वी हैव टू चेक एट अ पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम. And number two, particular point of time or throughout the period. And extent में हम लोग क्या देखेंगे? We will talk about frequency. Frequency, length of time, rate of deviation, last में है relevance and reliability. So आप अगर ये देखोगे so test of controls में basically अपने को ये नीचे की बातें देखनी है. एक बार read करते हैं. नेचर में क्या देखना है अपने को? हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंसी. मतलब आपका इंटेंशन क्या था लगाने के पीछे? वॉज इट जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी सेक? हु वॉज द पर्सन अप्लाइंग दोज कंट्रोल्स? बराबर के नहीं. वॉज ही अ पर्सन विथ एडिक्वेट क्रेडिबिलिटी? वो देखने का है. बाय हुम दे वर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंसी, लाइक इट इज नॉट अ वन डे अफेयर, इट शुड बी ऑपरेटिंग थ्रू आउट द पीरियड. Then timing में we check the same thing, particular point of time or throughout the period. आई बात समझ में? And then when we talk about the extent, तो यहां पर अपने को दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं है. Extent वाला part नहीं है, but ये extent वाला part जो है ये अपने syllabus में है. सो फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, ये भी अपने को कि कितने गहराई में अपने को वो चेक करना है. आई बात समझ में आपको? सो इसको याद कैसे रखेंगे? नेचर में आप बोलेंगे एकदम प्यार से, अंदर से आना चाहिए. बच्चों से कैसे बात करेंगे ना, वैसे बोलना है. सो नेचर में आप बोलेंगे हाउ देवर अप्लाइड, एकदम प्यार से बोलना है. क्या क्या बोलना है सर? हाउ देवर अप्लाइड, कि कौन लगाया अबे, हाउ देवर अप्लाइड. फिर नेक्स्ट बोलेंगे बाय हुम देवर अप्लाइड. एंड लास्ट पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी विथ विच देवर अप्लाइड. देन वी टॉक अबाउट टाइमिंग. वो अपने को चेक करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और थ्रू आउट द पीरियड. एंड देन जब ये एक्सटेंट की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी, मतलब एक को कंट्रोल आपको कितने बार चेक करना है.
लेंथ ऑफ टाइम मतलब कितने पीरियड के लिए देखना है, रेट ऑफ डेविएशन मतलब व्हाट यू एक्सपेक्टेड एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट, एंड लास्ट में वेदर द कंट्रोल्स आर रेलेवेंट एज वेल एज रिलायबल। तो इसको याद कैसे करेंगे, एकदम ऐसे से मुंडी हिलाओ ऐसे सब लोग, फिर मैं जो बोलते जाऊंगा वैसे से आपको बाद में बोलना है। 1 2 3 गो। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ऐसे रिदम में बोलना आपको। वापस से बोलेंगे एक बार एक्सटेंड वाला पॉइंट, कम ऑन एवरीबॉडी, 1 2 3 गो। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, frequency, length of time, rate of deviation, relevance and reliability. So ये बात हो रही है अपनी। So यहाँ पे हम लोग ये test of controls में basically ये सारी activity हम लोग करते हैं। आई बात समझ में आपको? Yes. So ये test of controls में हम लोग ने बात कर ली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। So next we talk about is using the audit evidence obtained in the interim period and in the previous audits. Interim period मतलब क्या कहते हैं? Interim अभी दो चीजें हैं यहां पे, एक है interim periods का और दूसरा है previous audits का। Interim period मतलब क्या है कि जैसे ये financial year है, financial year यहां पे start हो गया and यहां पे financial year end होता है। In between अपन ने इतना जो ये पीरियड है ना, ये हाइलाइटेड पीरियड, इसका अपन ने ऑडिट करा हुआ है। ये ऑडिट होने के बाद हम लोग ने क्या किया, स्टॉप कर दिया था, उतने पीरियड का अपना काम हो गया। फिर उसके बाद वापस से इस वाले पीरियड में ऑडिट करने आए, तो जो हमने एविडेंसेस कंट्रोल्स के बारे में इस पीरियड में लिया था, क्या वो इस पीरियड में यूज कर सकते हैं या नहीं, उसकी बात हो रही है। दैट इज इंटरिम पीरियड। प्रीवियस पीरियड में क्या बोलते हैं यहां पे कि आप है ना, यहां पे फाइनेंशियल ईयर 1 में ऑडिट कर रहे थे आप, अब आप फाइनेंशियल ईयर 2 में आए हो ऑडिट करने के लिए। सो जो एविडेंस आपने पिछले साल लिया था, क्या वो इस साल ले सकते हैं या नहीं। सो ऐसे दो कॉन्सेप्ट है, इंटरिम पीरियड एंड प्रीवियस पीरियड। नेक्स्ट, व्हेन द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस about operating effectiveness of the control during the interim period, what he needs to check is kya us interim period mein aur yahan mein kuch yahan pe aur yahan mein kuch changes hue hai kya controls mein, wo aapko establish karna hai। controls mein agar kuch changes nahi hai to aapko kuch aage karne ki zarurat nahi hai। number 2, you have to obtain additional audit evidence obviously for the remaining period, ye aapko kaam karna hai। अब बात करेंगे यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड इन द प्रीवियस पीरियड और प्रीवियस ऑडिट्स। सो इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑब्टेंड वेयर, बोलो ना, इन द प्रीवियस ऑडिट्स और द लेंथ ऑफ टाइम द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग। डायरेक्टली प्रीवियस ऑडिट के रिजल्ट आपने कंसिडर नहीं करना, कुछ बातें आपको देखनी है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर वी कैन यूज इट और नॉट। क्या है, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है बट इजी भी है ये। सो नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है वो क्या है, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड इन प्रीवियस ऑडिट्स। सही है एकदम। सो इसको याद करने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल चार्ट बताता हूं, वो आप ध्यान में रखना। सो हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट, फर्स्ट वी राइट ओवर योर इफेक्टिवनेस एंड दूसरा यहां पे हम लोग लिखेंगे रिस्क। सर ऐसा क्यों किया आपने, देखिएगा ए पॉइंट में इफेक्टिवनेस मिलता है आपको, सी में मिलता है इफेक्टिवनेस, डी में मिलता है इफेक्टिवनेस, उसके बाद आपको बी में मिलता है रिस्क, फिर उसके बाद ई में आपको मिलता है रिस्क एंड लास्ट में एफ में भी आपको मिलता है रिस्क। सो दिस इज हाउ वी टुक द कॉमन पॉइंट्स, इफेक्टिवनेस एंड रिस्क। आई बात समझ में आपको? यस। सो उसके अंदर हम लोग इफेक्टिवनेस की अगर बात करें, so what we talk about is effectiveness
में हम लोग बेसिकली यहाँ पे अभी तीन पॉइंट्स देखे और रिस्क में हम लोग तीन पॉइंट्स देखे। सो इफेक्टिवनेस में हम लोग बात करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या, अपना कंट्रोल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या देख रहे अपन, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। नंबर टू, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। समझाऊंगा, पहले बस लिख रहा हूं मैं, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल्स एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल्स। ठीक है, रिस्क में जब आते हैं तो रिस्क में वापस से तीन पॉइंट देखे थे अपन ने। सो रिस्क में अपन बात करते हैं रिस्क ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल्स में मतलब हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं whether the control is the manual control or the control is the automated control. Next we talk about is risk because of lack of change due to what? Due to changing circumstances. सर क्या लिख रहे हो, क्या स्टैंडर्ड है यार सर, समझ में नहीं आ रहा है। एंड लास्ट में रिस्क ऑफ व्हाट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ, इट इज अबाउट यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट्स। इंटर वालों के लिए ये सब हुआ हुआ है, यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड वेयर इन द प्रीवियस ऑडिट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैंने क्या कहा था आपसे, यहां पे ये फाइनेंशियल ईयर वन है जिसके अंदर मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया था। मैंने उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बेसिस पे मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में मैंने उन कंट्रोल्स का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट देख लिया। आई बात समझ में आपको? और फिर उसके बेसिस पे हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ रिस्क, ये मैंने एस्टैब्लिश कर लिया। आई बात समझ में? यस। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। एंड यहां पे मान लो मैंने अपना ऑडिट कंक्लूड कर लिया। अब वो क्या रहा है, मैं ही ऑडिटर हूं इन फाइनेंशियल ईयर टू, मैं ही ऑडिटर हूं इन फाइनेंशियल ईयर टू। एंटिटी सेम है, ऑडिटर भी सेम है। मैं यहां पे क्या सोच रहा हूं, जो असेसमेंट मैंने इंटरनल कंट्रोल्स का किया था फाइनेंशियल ईयर वन में, बराबर के नहीं, क्या वो सेम असेसमेंट क्या मैं फाइनेंशियल ईयर टू में यूज कर सकता हूं क्या? दैट इज टू से बेसिकली जो एविडेंस मैंने कंट्रोल्स के बारे में प्रीवियस ऑडिट में ऑब्टेन किया था, Can I use this audit evidence about the controls obtained in the previous audit for the current audit? Heading समझ में है आपको? So can I do this? तो कोई बोलेगा yes, कोई बोलेगा no, but it depends upon certain factors. और वो जो factors है ये हम लोग ऊपर देखे हैं। और वो क्या है, तो first point, effectiveness of controls and its application. मतलब इस साल के जो कंट्रोल्स है ना फाइनेंशियल ईयर वन के, ये यहां पे बात करेंगे अपन। और ये रिस्क वाले जो है ना, ये फाइनेंशियल ईयर टू के यहां पे बात करेंगे अपन। ध्यान से सुनना अभी। सो हम क्या कह रहे हैं यहां पे, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब भाई इस साल हम लोग ने पिछले साल के कंट्रोल्स पे भरोसा रखना या नहीं रखना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि भाई आपके वो कंट्रोल्स अच्छे थे क्या। और सिर्फ कंट्रोल्स अच्छे होना जरूरी नहीं है, क्या वो अच्छी तरीके से लगाए भी थे क्या। वी नीड टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। नहीं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर पिछले बार के कंट्रोल्स ही बेकार है, उनका एप्लीकेशन ही बेकार हुआ हुआ है, तो वही असेसमेंट हम लोग क्या इस साल यूज कर सकते हैं क्या? नो। वाई नो? बिकॉज सर मे बी दे माइट हैव इंप्रूव्ड द कंट्रोल्स, देयरफॉर द असेसमेंट मे चेंज। Yes or no? We cannot use the same evidence. So first we need to establish पिछले साल के controls effective थे या नहीं थे। Not only that, but sir सिर्फ control से फर्क नहीं पड़ता, control के environment से भी फर्क पड़ता है, controls के ऊपर कैसा monitoring है उससे भी फर्क पड़ता है। मतलब
there are also certain other elements which affects the internal controls. Sir, पिछले बार के controls अच्छे हैं, but क्या हो गया ना, पिछले बार का environment भी सर अलग था, इस बार controls भले ही same है, but environment बदल चुका है. आपका staff change हो गया, management change हो गया, उसके लिए monitoring change हो गई होगी, तो आप controls की effectiveness affect होगी या नहीं होगी? होगी. Why? Because of the change in the other elements of controls. Yes or no? Yes. So we need to check कि क्या environment same है या नहीं है. इसीलिए तो under SA number 315 we not only understand the entity but we also understand its environment including internal controls. Next we also check about certain IT controls कि access के लिए controls है, input के लिए controls है, output के लिए controls है, processing के लिए controls है, तो वो भी controls effective है या नहीं अपने को check करना जरूरी है. आई बात समझ में आपको यहाँ पे? Yes. So effectiveness of क्या क्या बात हो रही है अपनी यहाँ पे? Effectiveness of controls and its application, effectiveness of other elements of control, effectiveness of IT controls. सर पिछले बार के तीनों ये चीज़ें ना एकदम मस्त इफेक्टिव है सर. पिछली बार की ये तीनों चीज़ें इफेक्टिव है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. बट अब यहां पे इस बार उन कंट्रोल्स को लेके क्या कोई नई रिस्क आती है क्या? क्या ये अपने को चेक करना जरूरी है क्या? डू वी नीड टू चेक दैट? यस. सो वो रिस्क क्या देखना है अपने को? सो वी नीड टू चेक द रिस्क बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, वेदर इट इज मैनुअल और ऑटोमेटेड. सर पिछले बार का कंट्रोल एकदम अच्छा था, बट आपको देखना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर क्या था. वो मैनुअल कंट्रोल था या वो ऑटोमेटेड कंट्रोल था? सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, अगर वो कंट्रोल मैनुअल है तो जैसा उसने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था, क्या आप गारंटी दे सकते हो इस साल भी वैसा परफॉर्म करेगा? नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्ट टू व्हाट? इमोशंस, टायर्डनेस, फटीग. तो जैसा वो काम करेगा वैसा वो अगले दिन काम नहीं करेगा. इमेजिन करिए अगर मैं सुबह फर्स्ट लेक्चर मेरा ले रहा हूं एकदम एनर्जी फुल पावर, और यही अगर मेरा लास्ट लेक्चर है, अरे यार क्या पढ़ाना यार, थक गया मैं. हो सकता है, बराबर के नहीं, होता नहीं है, है ना? हो सकता है, करेक्ट है ना? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्ट टू दैट टायर्डनेस, बट यही अगर मशीन है तो, यही अगर मशीन है तो जैसा उसने अटेंडेंस लिया था डे वन पे, वो मशीन खराब होने तक वैसा का वैसा काम करेगा. वो नहीं बोलेगा मेरे को छोड़ो ना, अरे माफ करो मेरे को जाना है, नहीं बोलेगा वो. सो रिस्क is very less as in where in automated, but risk is more in where manual. So you have to check that risk also. Then we have to see if the environment has changed, the circumstances have changed. So in those changed circumstances, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको controls भी तो change करने पड़ेंगे. But if you don't change, क्या हो जाएगा? Risk came into picture and we cannot rely on the same controls. एंड लास्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कंट्रोल रिस्क आपको अगर मिली होगी तो फिर भैया आपको तो डिटेल में चेक करना ही पड़ेगा. सो कीपिंग ऑल दोज फैक्टर्स इन माइंड, वी डिसाइड वेदर टू यूज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट और नॉट. आई बात समझ में आपको? यस. लेट्स गो अहेड देन. यहां से आगे, इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन द प्रीवियस ऑडिट अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, the auditor shall establish the continuing relevance of that audit evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those controls have occurred. ab agar wo bolta hai ki main rely karega, to jaise apne interim ki baat kari thi waise yahan pe kya hoga hai, aapko significant changes kuch during that period hue hai ya nahi hue, wo aapko understanding lena hai, evidence lena hai. and agar wo changes affect karte hai continuing relevance ko, then the auditor shall test the controls in the current audit. अगर उसने decide कर लिया okay use करेंगे, but फिर वो use करते समय उसको पता चलता है कि नहीं अब controls में क्या हो गया, significant changes आ गए, तो भैया अब use नहीं कर सकते, आपको वापस से test करना पड़ेगा. if they have not been such changes, बराबर के नहीं, so वो क्या करेगा, shall test at least once in every third audit shall test some controls. मतलब एक साल, मतलब तीन साल में सारे सारे कंट्रोल्स पूरे चेक हो जाने चाहिए, सैंपल बेसिस पे चेक कर लेना. आगे बढ़ सकते हैं यहां पे, बोलो रे. यस. कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट रिस्क, सो व्हेन द ऑडिटर प्लान्स टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट रिस्क, द ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट रिस्क, द ऑडिटर शैल टेस्ट दोस कंट्रोल्स इन द प्रीवियस पीरियड. सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है, अपन ने पढ़ा हुआ है क्या?
ऐसे 315 में पढ़ा था ना, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है? रिस्क बिकॉज ऑफ फ्रॉड, रिस्क बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट्स. अरे हेलो, कल तो पढ़ा था. हाँ, देन नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स. व्हेन इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द रेलेवेंट कंट्रोल्स, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट whether the misstatements that have been detected by substantive procedures indicates that the controls are not operating effectively. मतलब जो भी गलती आपने substantive procedures से निकाली थी, क्या वो controls अच्छे से operate नहीं कर रहे थे उसके वजह से आई क्या? The absence of misstatements detected by substantive procedure, however, does not provide the audit evidence control related to the assertion being tested are effective. When deviations from controls upon the auditor intends to rely are detected, make specific inquiries to understand these matters and potential consequences. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको controls में कुछ deviation मिले तो उसका क्या impact होने वाला है, उसकी specific आप inquiry कीजिए. इसमें आपको क्या करना है? Test that the controls have been performed to provide an appropriate basis on the reliance on control. Then do the additional test and check the potential risk of material misstatements by doing what? Substantive procedures. So test of controls करने के बाद आप क्या perform करोगे? Substantive procedures. And substantive procedure is basically what? रुक, खत्म होता क्या? हाँ, हो रहा है. Substantive procedure is basically what? You are checking now a particular transaction in detail. Now we will do a simple reading. Irrespective of the assessors, the auditor shall design and perform substantive procedure. ये यहाँ पे आ गए कि अपन substantive procedure में अभी test of controls के basis पे आप plan करेंगे आपकी substantive procedures. Very good. The auditor shall consider external confirmation. So substantive procedure में आप अभी क्या क्या करने वाले हो? First आपको बोल दिया भैया आप क्या ले लो? External confirmation. ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे अंडर एसए नंबर 505. आगे फिर उसके बाद आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस. मतलब ये आपने कब देखना है? क्लोजिंग प्रोसेस के टाइम पे भी देखना है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ मैच करते हैं या नहीं. लॉजिकली देखिए ना, अपन बचपन से पढ़ते आते हैं. क्या पढ़ते हैं अपन सबसे पहले? कि देर इज़ व्हाट अ ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आप जर्नल एंट्री पास करते हो, उसके बेसिस पे लेजर पोस्टिंग होता है. तो ये जो भी है, क्या ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं. सो सिंपल सी बात है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे से अग्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनलाइजेशन करते समय, क्लोजिंग करते समय देखना पड़ेगा कि वेदर दिस अग्री विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. और अगर कोई मटेरियल जर्नल एंट्रीज या अदर एडजस्टमेंट्स करे हुए हैं तो वो भी आपको चेक करना जरूरी है. अब ये पढ़ो आप, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू द सिग्निफिकेंट रिस्क. एंड तक पढ़ लेना, डॉक्यूमेंटेशन तक. हाँ, कुछ खास नहीं है.
यस कैसे हो वो? डन। सो यहां पे आपको ऐसे 315 समझ में आया आपको? यस, सॉरी 330 समझ में आया आपको? यस। अब हम लोग बीच में एक 402 ऐसे है, उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको कल पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ऐसे नंबर 450। इस पूरे सीरीज का कंक्लूजन क्लाइमैक्स 450 में है। 402 ऐसे हटके है, अलग है थोड़ा, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो थोड़ा हाई लेवल भी है, वो आपको आराम से कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे उसको। अब जो क्लाइमैक्स है उसकी बात करेंगे, बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या पढ़ना है अपने को? इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ध्यान से पढ़ना अभी। अब अपन ने मिसस्टेटमेंट्स कहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे? देखिए हुआ क्या था कहानी, 315 में अपन ने आइडेंटिफाई और असेस किए थे। फिर वो एक्चुअली वो मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है उसको असेस किया था अंडर एसए नंबर 330 बाय गिविंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करे, उसमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया कि वो है या नहीं है। अब फिर 330 में एविडेंस मिलने के बाद जो रिस्क हमको या मिसस्टेटमेंट हमको एक्चुअली मिला है, अब उसको हमें क्या करना है? उसको इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? उसको इवैल्यूएट करना है कि भैया उसका इंपैक्ट आखिरकार कितना आएगा, उसके वजह से अपना ओपिनियन अफेक्ट होगा या नहीं होगा। दैट इज व्हाट द इवैल्यूएशन पार्ट इज। नहीं समझा? पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिस्क है या नहीं है उसको अपन ने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया। फिर वो रिस्क एक्चुअली है या नहीं उससे रिलेटेड अपन ने क्या डिसाइड किया, ऑब्टेन करने का एविडेंस। और फिर हमको पता चला नहीं रिस्क है। अब वो रिस्क कितना इंपैक्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लाएगी उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो वो जो इवैल्यूएशन है वो है अंडर एसए नंबर 450। आई बात समझ में? सो 315, 330 और उसके बाद अपन बात करेंगे 450 की। सिंपल सा स्टैंडर्ड है, एकदम छोटा सा आज के लिए, फिर इतना पढ़ेंगे अपन। ध्यान से देखना, इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिट। जो मिसस्टेटमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए ना, उसका इंपैक्ट क्या होगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अपने ऑडिट पे, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए है या नहीं है। क्या हुआ, कुछ गलतियां मिली ना अपने को, कुछ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करें। अब वो मिसस्टेटमेंट्स क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू पोजीशन बिगाड़ते हैं या नहीं बिगाड़ते हैं, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। सो वो है या नहीं है इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उन मिसस्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि वो कितनी डेंजरस है, उनका इफेक्ट क्या है, उनका इंपैक्ट क्या है। हाउ टू डू दैट इवैल्यूएशन इज टॉट अंडर एसए नंबर 450। नेक्स्ट, नॉट ओनली ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स, बट जो भी मिसस्टेटमेंट्स मिले थे और वो क्या है, अनकरेक्टेड है। देखो अगर गलती मिली और उसको आपने ठीक कर दिया तो ओके, ट्रू एंड फेयर अभी भी है, बट गलती मिली बट अभी तक आपने उसको ठीक नहीं किया तो भैया प्रॉब्लम है। सो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एज वेल एज दोज आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स बट विच आर नॉट येट करेक्टेड, दैट इज अनकरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, एक सेकेंड। अब एक बार पढ़ो तो सी ऑब्जेक्टिव देखो। क्या लिखा हुआ है? जो वही अपन ने ऊपर पढ़ा था, वही टू इवैल्यूएट द इंपैक्ट, बराबर कि नहीं? वेरी गुड। सो आइडेंटिफाई द मिसस्टेटमेंट्स एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। सबसे पहले अभी स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट, यू अक्यूमुलेट द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स। द
दैट अपियर्स ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रायल, मतलब वो करेक्ट हो चुके हैं. पहले सारी गलतियां इकट्ठा करो, क्या क्या मिस्टेक्स आपको मिली है. उसके बाद यू कंसिडर दोज आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस. जैसे आपका ऑडिट आगे बढ़ रहा है ना, आप उन गलतियों को कंसिडर करो. क्या करना है उसमें, कि क्या आप जब ये गलतियां मिलती है आपको, तो इसके वजह से आपको आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान जो आपने 300 में बनाया था, मालूम है ना, तो जो आपने 300 में आपने जो ये स्ट्रेटजी और ये प्लान जो आपने बनाया था, क्या उसको रिवाइज करने की जरूरत है क्या, मतलब अपने को और गहराई में चेक करना जरूरी है क्या कुछ. डायरेक्ट डोंट कम टू द कंक्लूजन, फर्स्ट अगेन गो टू द बेसिक्स, कि क्या स्ट्रेटजी प्लान कुछ बदलू क्या मैं, क्योंकि अगर नई रिस्क मिली है, सो एज द ऑडिट इज प्रोग्रेसिंग चल रहा है और मुझे कुछ गलतियां मिल रही है, तो इसके वजह से जो मैंने सोचा था वैसा हो नहीं रहा है, तो क्या मुझे मेरी सोच अब बदलनी पड़ेगी क्या. आई नीड टू थिंक दैट. सो डू वी नीड टू रिवाइज आर वॉट ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान, दैट नीड टू बी कंसिडर्ड. आगे ये कब करना पड़ेगा, इफ द नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर ऑकरेंस इंडिकेट दैट अदर मिसस्टेटमेंट्स में एग्जिस्ट व्हेन एग्रीगेटेड विद मिसस्टेटमेंट्स अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड कुड बी मटेरियल. मतलब सिंपल केस में अगर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आपको मिलती है तो, और वो गलती अगर दूसरी और गलतियों के साथ मिल जाए तो और भयंकर धमाका हो सकता है. नंबर टू, द एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट्स अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोच मटेरियलिटी डिटरमाइंड इज अकॉर्डेंस विद व्हाट एसए 320. मतलब देर इज रिविजन इन, सिंपल भाषा में लिखता हूं, मटेरियलिटी लेवल. क्योंकि अगर मटेरियलिटी लेवल चेंज हो गई तो साहब आपका प्लान स्ट्रेटजी चेंज होगा कि नहीं होगा. सो आपको मटेरियलिटी लेवल चेंज हो गई, आपको और मिसस्टेटमेंट्स मिल गए, तो भैया आपको आपकी स्ट्रेटजी प्लान चेंज करना पड़ेगा. इफ द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट, इफ एट द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट मैनेजमेंट हैज एग्जामिन्ड अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स दैट वर डिटेक्टेड, द ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर मिसस्टेटमेंट्स रिमेन और नॉट. क्या हुआ समझ में आपको, पहले उसको गलतियां मिली है ऐसे 315 330 के अनुसार, फ्लो में जाओ, वो गलती मिली, वो सारी गलतियां इकट्ठा करो और फिर उन गलतियों को देखते हुए जैसा आपका ऑडिट प्रोग्रेस हो रहा है, आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको आपका स्ट्रेटजी प्लान बदलने की जरूरत है क्या. वो जरूरत कब पड़ सकती है, अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो, और आपकी मटेरियलिटी लेवल बदल गई होगी तो. फिर जो आपको गलतियां मिली थी आपने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया कि देखिए जो गलतियां हमें मिली थी आप उसे ठीक कीजिए, आप उसे करेक्ट कीजिए, बराबर. और अगर मैनेजमेंट ने उन गलतियों को ठीक कर दिया होगा, जैसे कि अगर स्टॉक वैल्यूएशन गलत होगा तो रेक्टिफाई करो, कर दिया, बराबर के नहीं. डेटर्स का प्रोविजन गलत कर दिया था, रेक्टिफाई कर दिया, बराबर. कंटिंजेंसीज का प्रोविजन गलत कर दिया था, ठीक कर दिया. तो जो भी गलतियां हो गई थी अपन ने उनको रिक्वेस्ट कर दिया प्लीज रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, एंड इफ दे डिड इट वी नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू चेक जो गलतियां हमने उन्हें ठीक करने को बोली थी क्या वो वाकई में ठीक हो गई है, क्या उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट रह तो नहीं गई ना, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. वापस से बोलूं एक बार के हैंग हो गए आप लोग, एक बार वापस से बोलता हूं, सारी गलतियां इकट्ठा करो और फिर जैसे जैसे आपका ऑडिट प्रोग्रेस होता है आप देखिए कि आपको आपका स्ट्रेटजी प्लान चेंज करने की कुछ जरूरत है क्या. जरूरत कब आ सकती है, मटेरियलिटी लेवल बदल गई या और एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट्स मिल गए विचार मटेरियल, बराबर, तो बदलना पड़ेगा. कभी कभी आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैनेजमेंट साहब ये गलती हमको मिली है आप इसे ठीक कीजिए. मैनेजमेंट बोलता है ठीक है कर देंगे साहब, मैनेजमेंट ने बोल दिया हमने वो ठीक कर दी, आप बैठे रहोगे ऐसे ही नहीं, आप क्या करेंगे और ऑडिट करेंगे ये जानने के लिए कि वो गलतियां जो हमने उन्हें ठीक करने बोली थी क्या वो एक्चुअली ठीक हुई है या नहीं. समझ में आया, वो लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में. उसके बाद कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, क्या होगा यहां पे, हमने कम्युनिकेट कर लिया उनको ये गलती थी, उन्होंने क्या कर लिया उसको करेक्ट कर लिया. द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस ऑल द मिसस्टेटमेंट्स अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट
विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन. अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन मतलब क्या, अगर तुमको फ्रॉड मिला है तुम फ्रॉड के बारे में उनको बोलोगे फ्रॉड को रेक्टिफाई करो, चल डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर, बराबर के नहीं. द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट दोज मिसस्टेटमेंट्स. दो बातें होगी, मैनेजमेंट उसे करेक्ट करेगा या तो करेक्ट नहीं करेगा. करेक्ट करेगा, बोल दिया करेक्ट करेगा, तो अपन ने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है टू चेक वेदर दोज मिसस्टेटमेंट्स रिमेन और नॉट, ऊपर पड़ा था. बट इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू करेक्ट सम और ऑल, थोड़े करेक्ट किए थोड़े नहीं करे या बिल्कुल भी नहीं करे, इफ यू रिफ्यूज टू करेक्ट सम और ऑल द मिसस्टेटमेंट्स कम्युनिकेटेड द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट्स रीजंस फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शंस. आखिर तुम कर क्यों नहीं रहे हो, रीजन लो उनसे. एंड शैल टेक द अंडरस्टैंडिंग इन टू अकाउंट टू इवेल्युएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट. क्योंकि गलती हमको मिली थी, ये मटेरियल है, हमने आपको बोला इसको ठीक करो, आपने मना कर दिया, रीजन दीजिए और फिर कंसिडर करेंगे कि वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर अब क्या हो गया, कम्युनिकेट करे थे, करेक्शन कुछ किए या कुछ करे नहीं, जो करे नहीं मतलब क्या हो गए, अनकरेक्टेड है. अब उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या आएगा, वो आपको इवैल्यूएट करना है. बोलो यस और नो, यस, उसके हिसाब से आप आपका ओपिनियन देंगे. प्रायर टू इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स द ऑडिटर शैल रीअसेस द मटेरियलिटी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद 320 टू कंफर्म वेदर इट रिमेन्स अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स. जो अनकरेक्टेड गलती है ना, अब चेक करना है कि क्या वो ऐसे 320 के अनुसार मटेरियल है या नहीं है. नंबर टू, देन वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल. अगर डिटरमाइन हो गया मटेरियल है, ऑडिटर ने क्या कंसिडर करना है, भैया वही लिखा हुआ है ना, साइज एंड नेचर, बराबर के नहीं, प्लस उनका इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड. अगर पिछली बार की गलती है, ये अपन ने ऐसे 710 में भी पढ़ा है, इफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड हैज स्टिल नॉट येट रेक्टिफाइड, तो इस साल भी हम लोग क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे. यही बात हो रही है, पिछले साल की अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स ये हमने पढ़ा है कहां, एसए नंबर 710, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई बात समझ में, सो आपको चेक करना है. फिर आप क्या करेंगे, ये TCWG को कम्युनिकेट करेंगे, देखो भाई हमने बोला था उन्होंने किया नहीं, तो आप कर लीजिए, बराबर. मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिएगा कि जो भी हमने आपको बोला था आपने वो सारे गलतियाँ रेक्टिफाई करे हैं और जो भी बातें हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट कर लीजिए. पढ़िए अभी तीनों पॉइंट्स, सिंपल है ना एकदम. कहानी क्या हुई एक बार आप पढ़ लो, फिर उसके बाद अपन समराइज कर लेंगे उसको. Yes, guys, over. Any difficulty till here? No. So, अब अपना जो 400 सीरीज का जो है उसमें सिर्फ एक ऐसे बचा हुआ है 450 जो बहुत बड़ा है, बराबर के नहीं, सॉरी 402 ऑडिट कंसिडरेशन इन द यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. वो होने के बाद वी विल स्टार्ट विथ 500 सीरीज, 600 सीरीज, 500 सीरीज तो फास्ट हो जाएगा, 600 सीरीज, 700 तो अपना क्लास में हो चुका है, राइट. चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर.